तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपको बैंक मेथड जो है ऐड करना होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक मेथड ऐड कैसे करते हैं जिससे आपके पैसे जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र किए जा सकें। जब आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है प्लस 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाते हैं तब आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन मिल जाता है बैंक मेथड जोड़ने का जिससे आपके पैसे जो है विड्रॉ किए जा सके आपके बैंक अकाउंट में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक मेथड कैसे ऐड करते हैं, बैंक मेथड ऐड करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर जाकर के सर्च करेंगे googleadsense.com, तब आपके सामने गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तब आपको यहां पर एक्शन का बटन शो होगा जब तक आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। हर महीने की 21 से 22 तारीख को वाइट स्टूडियो से जो है डॉलर आपके जो भी रेवेन्यू बनते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं आपके एडसेंस अकाउंट पर, और 25 से 28 के बीच में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन का बटन शो हो रहा है और जो भी मैंने अर्निंग की है वो यहाँ पर $110 शो हो रहे हैं। तो ये मेरी एक महीने की अर्निंग है जो कि 21-22 तारीख को जो है इस पर आ जाती है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है बैंक मेथड ऐड करने का, उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सारी बैंक डिटेल्स भर देना है, जैसे कि बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, शिफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, है ना, ये सारी जानकारी सेम जैसे आपके पासबुक में सेम जो भी आपका एड्रेस हो वही आपको यहाँ पर सही सही फिल करना है। बात आती है शिफ्ट कोड की, तो शिफ्ट कोड जो होता है हर ब्रांच में नहीं होता है, तो आप जो है अपनी ब्रांच में पता कर लीजिए कि आपकी ब्रांच का शिफ्ट कोड है या नहीं। बैंक मैनेजर में पता करेंगे तो आपको शिफ्ट कोड उस ब्रांच का मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पर सर्च करेंगे जिस भी ब्रांच का होगा उस ब्रांच का नाम लिख करके और शिफ्ट कोड सर्च कर लेंगे जिससे आपका शिफ्ट कोड मिल जाएगा, तभी आपके जो पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो पाएंगे आपके बैंक अकाउंट में जब आप अपना शिफ्ट कोड यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना नाम भर दिया है, फिर बैंक नेम भर देंगे, इसके बाद आईएफएससी कोड भर देंगे, शिफ्ट कोड भर देंगे, अकाउंट नंबर भर देंगे, ये सब भरने के बाद आपको कर देना है सेव। ध्यान रहे आपको शिफ्ट कोड जो होता है हर बैंक में शिफ्ट कोड नहीं होता है, तो उनसे जो ब्रांच कनेक्ट होती हैं बड़ी ब्रांच, तो वो लोग जो है आपको बड़ी ब्रांच का शिफ्ट कोड दे देंगे जिससे जो है आप यहां पर अपना शिफ्ट कोड डाल सकते हैं। मैंने जो है ये गूगल पर सर्च किया था शिफ्ट कोड इस बैंक का, तो इस तरीके से आप भी सर्च कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिए कि शिफ्ट कोड कैसे निकालते हैं तो आपको शिफ्ट कोड मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है शिफ्ट कोड भी निकालते हैं और यहाँ सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको कर देना है सेव। नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, ध्यान रहे जो भी आपका नाम पासबुक में लिखा है सेम वैसा ही नाम लिखना है, जरा सी भी गलती नहीं करना है। एक बार लिखने के बाद दोबारा आप मिला लीजिए, मिलाने के बाद आप नीचे ऑप्शन देखेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहां पर शेप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे शेप का ऑप्शन मिल जाता है तो सेव कर देंगे। अब आपकी बैंक डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी है, इसके बाद थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पर हमारा दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं। हमारा यहाँ पहला बैंक ऐड हो चुका है, प्राइमरी बैंक। आप यहां पर चाहें तो 2-3 बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करते हैं जिससे आपके पैसे जो है बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड करते हैं, ऐसा करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।